क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए मैं फ्री ऑफ कोर्स एक न्यू AI फाइल लेके आया हूँ, तो जो कि एक जोक एप्लीकेशन है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाने वाला हूँ और ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है वो दिखाने वाला हूँ। बाद में फिर इसके अंदर आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो और बाद में फिर आप अपने प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हो, नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके आप इसे अर्निंग कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन का डेमो आप देख सकते हो, जैसे कि मेरे मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रही थी, फन जोक करके एप्लीकेशन का नाम है। तो आप जो चाहे वो नाम रख सकते हो, जैसे आपको पसंद है वैसा नाम। और बाद में आप देख सकते हो जो कि होम स्क्रीन पर मैंने मेन स्क्रीन पर स्क्रीन वन पर कुछ इस तरह का थीम बना के लिखा है लेटेस्ट जोक करके। और इसके अंदर आप देख सकते हो एडमिन जोक, कॉलेज जोक, गंदे जोक्स, संता बंता जोक, पति पत्नी जोक्स, लोकप्रियता जोक्स, तो ऐसे इस टाइप के मैंने जोक्स इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आप इसके अंदर जोक्स कैसे डालना है वो सब चीज़ें हम देख लेंगे मेरे डेस्कटॉप के अंदर। और आपको AI फाइल कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी लोग कमेंट करके मुझे मैसेज करते हैं कि ये इरर आ रहा है, वो इरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो सभी सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि एडमिन जोक पे मैं क्लिक करूंगा तो इधर कुछ आपको है ना व्हाट्सएप के जोक दिखेंगे। उधर जैसे व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट है ना व्हाट्सएप खुलेगा और डायरेक्ट आप इसे शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप के अंदर। वापस से मैं बैक क्लिक करता हूँ तो इधर आप देख सकते हो गंदे जोक्स पे कुछ गंदे जोक्स दिख जाएंगे। और इधर आप देख सकते हो जैसे कि कॉलेज जोक्स पे कुछ कॉलेज जोक्स दिख जाएंगे, तो इससे आप शेयर करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये तो ओवरव्यू और बहुत ही सिंपल, क्योंकि जोक्स के एप्लीकेशन पे भी आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे लेटेस्ट जोक वगैरह करके एप्लीकेशन तो 100K उसके अंदर डाउनलोड है। तो मेन तो कॉन्सेप्ट ब्लॉक का सेम टू सेम रहता है, मेन ऊपर का GUI वगैरह कैसा रहता है, जितना अच्छा आपका GUI इंटरफेस वगैरह रहेगा, अट्रैक्शन आपके एप्लीकेशन का ज़्यादा अच्छा दिखेगा तो इतने लोग ज़्यादा डाउनलोड करेंगे। तो यही था ओवरव्यू एप्लीकेशन के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर कोई कनेक्शन वगैरह नहीं करना है। तो चलो हम डायरेक्ट चल जाते हैं ठुमकेबल की वेबसाइट पर, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना है वो मैं बता देता हूँ और AI फाइल कहाँ मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो हम आगे मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इधर रेड कलर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग AI फाइल फ्री ऑफ कोर्स आपको देते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल आइकन दिया है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं बात करता हूँ हम ठुमकेबल पर जाते हैं और एप्लीकेशन के बारे में चेंजेस क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि है ना एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो काफ़ी लोग एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं ठुमकेबल से और है ना एपी बिल्डर से, ऐप इन्वेंटर से, बहुत जगह से। तो ये सब एक कोडिंग लैंग्वेज रहती है और ये एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना तो बहुत ही अच्छा इसमें इनकम होता है। तो क्यों ना आप है ना खुद एक लैंग्वेज सीखिए, जावा सीखिए, एंड्रॉइड स्टूडियो में सीखिए या पाइथन सीखिए। तो मैं एक पाइथन की सीरीज चला रहा हूँ, देख सकते हो उसमें मैंने 102 वीडियो अपलोड कर दिए। तो जल्दी मैं ये सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ, तो जिससे आप है ना बहुत सारे खुद के GUI एप्लीकेशन वेबसाइट और है ना खुद के एप्लीकेशन एंड्रॉइड में डेवलप कर सकते हो। और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे कि आपने ठुमकेबल पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम, और आप ठुमकेबल में बहुत चीज़ जान भी गए होगी कि इसके अंदर क्या 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 चेंजेस करना है, कैसे एप्लीकेशन बनाना है, कैसे लॉगिन पेज साइनअप पेज बनाना है। तो इसको आप एप्लीकेशन को बना के प्ले स्टोर पर अपलोड करके इसके थ्रू ही आप अर्निंग कर सकते हो। इसके आप ठुमकेबल या एपी बिल्डर्स आप बहुत ही अच्छा जानते हो, पर आप कहीं ऐसे जाके नहीं बोल सकते कि मुझे ठुमकेबल आता है, मुझे एपी बिल्डर आता है, तो मुझे जॉब प्रोवाइड कर दो। पर आप पाइथन जावा ये सीख के है ना इसमें आप एप्लीकेशन भी खुद का बना सकते हो और इसका खुद का वेबसाइट भी बना सकते हो, खुद के वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हो। और उसके बाद फिर आप कहीं भी यदि आपके वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन नहीं चलते तो आपके पास स्किल रहेगा, आपने अपना स्किल डेवलप किया रहेगा, तो आप है ना जाके कहीं भी सर्टिफिकेट लेके पाइथन का वगैरह का आप ऑनलाइन सीख के सर्टिफिकेट लेके कहीं भी आप इंटरव्यू देके बहुत ही अच्छा सैलरी में आपको जॉब मिल सकता है, क्योंकि पाइथन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो जावा से एप्लीकेशन या एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा और इन्वेस्ट कीजिए, आप इतना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन डेवलप में, आपको API कैसे कनेक्ट करना है, ऐड कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें तो पता चल गई। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ता है और आपके पास कंप्यूटर है और आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके ये बेनिफिट उठाइए, तो उससे आपके फ्यूचर के लिए आपका बेस बहुत ही अच्छा रहेगा और फ्यूचर में आप है ना बहुत ही अच्छे सैलरी में आपको जॉब मिल सकता है। पाइथन भी सिखाता हूँ और जावा भी सिखाता हूँ, इस पर मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई, तो आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो। तो आपको अच्छा लगे तो इस कोर्स को फॉलो कीजिए जो कि फ्री ऑफ कोर्स कोर्स है। आप है ना कहीं भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन जाओगे तो आपको 5000-6000 पे करना पड़ सकता है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो हम आ जाते हैं ठुमकेबल पे। तो मैं आपको जो एप्लीकेशन दे रहा था, जिसकी AI फाइल दे रहा था, उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपको अब मैं बताता हूँ आपको ये AI फाइल कहाँ मिलेगी। तो आपको एक न्यू टैब ओपन करना है और ऊपर सर्च करना है MSCode.in। तो आप MSCode.in सर्च करोगे तो आप देख सकते हो, इधर देख सकते हो ठुमकेबल AI फाइल मैंने लिखा हुआ है, इधर
इस पे क्लिक करना है और आप मोबाइल पे ओपन कर रहे हो तो कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। तो इस पे भी आप क्योंकि केवल एआई फाइल पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर आपको अपना लेटेस्ट जो ये वीडियो का थंबनेल था वही सेम टू सेम थंबनेल आपको इधर देखने को मिलेगा और इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया तो जो कि मैंने पहले कुछ एआई फाइल अपलोड किए हुए, ये कंप्यूटर शॉर्टकट की एआई फाइल है, तो इधर बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हर टू डाउनलोड, तो वैसे क्लिक हर टू डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और इसे आप जहाँ फाइल को सेव करना चाहते हो सेव कर लीजिए। तो ये जिप फाइल के अंदर, तो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी जिप फाइल ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर रहना चाहिए, नहीं है तो आप ऑनलाइन से इंस्टॉल कर लीजिए। और नहीं पता जिप फोल्डर को कैसे ओपन किया तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है और अधिकतर सभी लोगों को पता रहता है। तो आपको यहाँ एआई फाइल मिल जाएगी, अभी मैंने अपलोड नहीं की, ये वीडियो आप देख चुके हो तो मतलब ये एआई फाइल अपलोड हो चुकी है, तो इधर आप ऊपर टॉप में देख सकते हो, और नहीं दिखेगी तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए आपको एआई फाइल मिल जाएगी इधर ही। जैसे कि लेटेस्ट जोक्स करके मैंने एप्लीकेशन का नाम रखा है तो इधर मैं चल जाता हूँ मेन डिजाइनर में और स्क्रीन वन पे, तो देख सकते हो टोटल स्क्रीन मैंने कितने ऐड किए वो आप देख सकते हो। और स्क्रीन वन पे मेरा जो कि है ना इंट्रो, सबसे पहला जो एप्लीकेशन ओपन होता है और हमारा मेन स्क्रीन दिखता है वो ये दिखता है। तो ये आप चेंजेस करना चाहते हो चेंजेस कर सकते हो, ऑनलाइन से कुछ इमेज आप डाउनलोड करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप इधर सेट कर सकते हो, तो जैसे आपको पसंद है विस बेस पे आप सेट कर सकते हो जिससे आपका एप्लीकेशन अच्छा दिख रहा है, जितना टाइम दोगे उतना आप पे डिपेंड करता है। तो और स्क्रीन टू पे आप देख सकते हो जैसे कि इधर आपको है ना ये सब जोक्स मिल देखने को मिल जाएगी। इधर अब ये इनविजिबल क्यों इनविजिबल है वो भी मैं बता देता हूँ, और इधर देख सकते हो स्क्रीन थ्री पे भी मैंने देख सकते हो इधर ये इनविजिबल इधर आपको जोक्स देखने को मिल जाएंगे वो ब्लॉक पार्ट में। तो इधर आपको क्या करना है, इधर आप देख सकते हो मैंने एड मोड टेरेस्ट्रियल एड इसके अंदर लगाया हुआ है, तो आप इसके अंदर बैनर एड भी लगा सकते हैं। इधर नीचे आपको बैनर सेट कर देना है, किस तरह सेट करना है वो मैं बताया, तो जैसे आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल में आना है और इधर आप देख सकते हो इधर से बैनर एड आपको इधर नीचे ट्रैक कर देना है। तो इधर आप देख सकते हो आपका बैनर एड लग गया, बाद में फिर अगर आपको आना है एड मॉब के यूनिट आईडी में, वो इधर आपको अपने एड मॉब से जो भी आपने एड जनरेट किया है बैनर एड जनरेट किया है वो इधर आपको एड आईडी सेट कर देनी है। सेट करने के बाद ब्लॉक में आना है, जब ये स्क्रीन लोड होगी तो हमारा बैनर एड लोड होना चाहिए साथ में। तो इधर आप देख सकते हो नीचे से स्क्रॉल करोगे एड मॉब बैनर एड और देख सकते हो कॉल बैनर एड, तो इधर आपको ये सेट करना है। बाद में फिर आप देख सकते हो इधर वैन कॉल जब लोड हो जाएगा बैनर एड तो क्या होना चाहिए, तो वापस से आप देख सकते हो ये वाला वैन एडमो बैनर एड लोड, तो इसके बाद वापस से इधर आना है और इधर देख सकते हो सेट एडमो बैनर एड और इधर आपको पर्सनलाइज के आप विजिबल कर देना है और इधर आपको लिख देना है ट्रू। तो ये आप डायरेक्ट ट्रू लिखोगे अपने कीबोर्ड पे तो भी आ जाएगा और इधर आपको मैक्स में या फिर लॉजिक में ट्रू डायरेक्ट मिल जाएगा। तो मैं जो कि मैं पाइथन और जावा लैंग्वेज करता हूँ तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ जिससे मेरा फास्ट वर्क होता है। तो अब मैं वापस से डिजाइनर में आ जाता हूँ। इस तरह आप बैनर एड सभी स्क्रीन पे लगा सकते हैं और इधर आप देख सकते हो टेरेस्ट्रियल एड मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो जब भी जो बंदा इधर व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तब पॉपअप एड आएगी। तो इधर आपको टेरेस्ट्रियल एड पे इधर अपना एडमोप यूनिट आईडी दे देना है। तो इधर आप है ना स्क्रीन टू या वन के अंदर आप है ना अपना वीडियो एड सेट कर सकते हो। इधर देख सकते हो ये जो टेरेस्ट्रियल एड लगाया हुआ है इधर आप वीडियो एड लगा दीजिए और कुछ स्क्रीन के अंदर पॉपअप एड के एड लगा दीजिए। तो ये एड कैसे जनरेट करने है? बहुत ही सिंपल है, गूगल एडमोब से एड जनरेट करने, इसके ऊपर मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से देख लीजिए। इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं आपको मेन सेट कैसे करना है वो देख लीजिए, जनरेट का आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सेम टू सेम जैसे मैंने बैनर सेट किया तो उस तरह आप बैनर सेट कर दीजिए। आप बीच में बैनर सेट करना चाहते हो बीच में भी कर सकते हो, ऊपर करना चाहते हो ऊपर भी कर सकते हो, और थोड़ा सा कलर वगैरह फॉन्ट वगैरह चेंजेस कर दीजिए तो जिससे आपका एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट लगे। मेन ब्लॉक के अंदर आप कुछ भी चेंजेस मत कीजिए आपको नहीं पता है। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि है ना ये आपको जोक्स दिखेगा कैसे। तो जैसे मैंने मेरे मोबाइल स्क्रीन पे आपने देखा था मैं बहुत सारे व्हाट्सएप के जोक्स और बहुत सारे गंदे जोक्स बहुत सारे लेटेस्ट जोक्स वगैरह वो मैंने डाले हुए थे। तो इधर आप देख सकते हो आप मेक अ लिस्ट में मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई हुई, तो आप इंटरनेट से न्यू जोक्स उठा के इधर डायरेक्ट आप डाल सकते हो, तो जिससे आपके है ना ये सब इसके अंदर जोक्स आ जाएंगे। जोक्स आने के बाद में फिर आप इसे बाद में इस एप्लीकेशन का एपीके आप अपलोड कर सकते हो। तो इधर से आप जो भी जोक्स आपको चेंजेस करना आप इधर से डायरेक्ट जोक्स चेंज कर सकते हो। स्क्रीन वन के ये टू के अंदर भी आप देख सकते हो सेम टू सेम इसी तरह का मैंने ये लगाया हुआ है, आप देख सकते हो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो ये मैंने थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो इसके अंदर सभी के अंदर आपको इस तरह एड सर्च करना है और सर्च करने के बाद लगा देना है। तो आप देख सकते हो डिजाइनर में आ जाता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो एडमिन जोक्स और आपको देख सकते हो इधर मैं बता देता हूँ जैसे कि पति पत्नी जोक्स वगैरह ऐसे। तो आप इधर ये टाइटल भी चेंज करना चाहते हो कुछ नॉनवेज वगैरह जोक्स या फिर कुछ और जोक्स संता बंता जोक्स या फिर आप है ना रजनीकांत वर्सेस जो कि ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी वेबसाइट, तो वो वाले जोक्स अपलोड करना चाहते हो वो भी जोक्स अपलोड कर सकते हो। और मैं आपको एक बेनिफिट भी बता देता हूँ ये एप्लीकेशन का, तो ये एप्लीकेशन आपको है ना जैसे जोक्स का एप्लीकेशन लग रहा है मैं आपको जोक्स की एआई फाइल दे रहा हूँ,
आप चाहो तो इस एप्लीकेशन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे डाइट के रिलेटेड इस एप्लीकेशन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे कि मैंने मेरा स्क्रीन वन दिखा था, इसके अंदर एडमिन जोक्स वगैरह सब ऑप्शन दिख रहे थे, आप देख सकते हो ये इमेज वगैरह ये सब चीजें दिख रही थी। तो इधर आप चेंज करके ना एप्पल से, या फिर डाइट के रिलेटेड मतलब क्या फिटनेस के अच्छा है, डाइट के रिलेटेड मतलब आपको है ना क्या क्या चीज खानी चाहिए और किससे क्या बेनिफिट होता है, उसी तरह आप इधर और भी इमेज बटन ऐड करके बाद में फिर इसके अंदर जब बंदा क्लिक करेगा तो डायरेक्ट स्क्रीन टू पे आ जाएगा। बाद में इसके अंदर ब्लॉग के अंदर आप है ना अलग अलग डाइट्स मतलब बता सकते हो, तो डाइट्स के रिलेटेड भी बता सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो भी बता सकते हो, किसी के बारे में आप जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे कोई सारे स्ट्रिप जो कि पास्ट में हमारे युद्ध हुआ था तो वो सब के बारे में स्ट्रिप भी बताना चाहते हो तो बता सकते हो। इधर आपको स्क्रीन वन पे जो कि मेरे मोबाइल स्क्रीन आपने देखी थी जिसमें मैं ना जो एडमिन जोक्स, वहाँ आप नाम चेंज करके दूसरे भी एप्लीकेशन मतलब एक ही एप्लीकेशन एक ही AI फाइल से आप दो तीन एप्लीकेशन बना सकते हो। थोड़ा सा आइडिया आपको लगाना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना और उसे आप अपलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, इसके भी बहुत सारे डाउनलोड है। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आपको सभी चीज समझ में आ गया रहेगा और आप थोड़ा सा टाइम और भी इन्वेस्ट करके पाइथन सीख सकते हो तो उसकी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंडिया में ऑलमोस्ट, तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है और आपको पाइथन बहुत ही अच्छा आता है तो 40,000 से 50,000 सैलरी स्टार्टिंग में मिल रही है। तो ये पूरा कोर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, तो फ्री में आप ये कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और आप भी सीख जाइए पाइथन, बाद में फिर खुद के वेब एप्लीकेशन वगैरह डेवलप कीजिए खुद कोडिंग करके। तो आपको सब चीज़ समझ में आ गई रहेगी, तो आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर रेड कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बेल आइकन दिया इस पर भी क्लिक कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।